नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? पता है कि इस समय हमारा देश बहुत ही बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, हम सब भी उसमें बहुत ही बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। आपको पता है कि एक वायरस जिसने हम सबको हैरान और परेशान कर रखा है, उसका नाम है कोरोना वायरस। अब तो बच्चा बच्चा इससे वाकिफ हो चुका है और कोरोना वायरस की वजह से हम लोग को लॉकडाउन में घर के अंदर 21 दिन के लिए कैद कर दिया गया है। वक्त पर हमारे प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया कि हमें लॉकडाउन ही रहना होगा, घर के अंदर ही रहना होगा, इसी से हम सेफ रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना नया वायरस है और अभी इसका कोई इलाज नहीं निकला है। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि हम अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करें, जितना ज़्यादा बार हो सके अपने हाथों से साबुन से या अपने हैंड वॉश से अपने आपको हाथ को साफ करें और अपने आसपास सफाई रखें, अपनी बॉडी की सफाई रखें। और अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर से घर में फिर वापस आते हैं, तो भी हम अपने कपड़ों को धो लें अच्छे से, अपने आसपास जितना हो सके डिस्टेंस बनाकर रहें। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हमें कैद कर दिया गया है। सामान लेने के लिए हम कर्फ्यू हटाया भी जा रहा है, जिसमें हम बाहर जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाकर घर में रख भी सकते हैं। लेकिन जब आप घर से वापस, जब सामान लेकर आप घर के अंदर वापस आते हो, तब आपको अपने कपड़ों की सफाई करनी है। तुरंत अपने जितना हो सके अपने कपड़ों को पानी से ही धो दें, अपने हैंड वॉश जल्दी से अपने हाथ को भी साफ़ कर लें, और इस तरह हम अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। और जितना हो सके हम अपने परिवार के लिए ही लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे हुए हैं। शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे 8 दिन गुजर चुका है और अब जो शुरुआत में लोग पैनिक हो रहे थे कि हम 21 दिन के लॉकडाउन में घर के अंदर कैसे रहेंगे, उनको भी अब घर के अंदर रहना आ गया है। थोड़ा जेंट्स परेशान थे क्योंकि वो रोज़ दुकान जाते हैं, रोज़ अपने काम पर जाते हैं। देखिए, लेडीज़ तो घर में रह लेती हैं, लेकिन जेंट्स लोग का घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर वो घर के अंदर रहेंगे तभी वो सेफ रह सकते हैं, उनका परिवार सेफ रह सकता है और कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो उनको भी अब घर में रहना आ गया है। तरह तरह की चीज़ें करके लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है। तो इस तरह करके लोग घर के अंदर ही अपने आप को सेफ रख रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ताकि हम कोरोना वायरस से जल्दी मुक्ति पा सकें और ये वायरस जल्दी से जल्दी हमारे देश से चला जाए। इसमें प्रधानमंत्री ने एक अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। उन्होंने हमको अपने घर के परिवार के सदस्य की तरह बड़े ही प्यार से समझाया है कि हम घर में सेफ कैसे रह सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी बताया है कि वो क्या क्या करते हैं जिसको करके हम भी सेफ रह सकते हैं। उन्होंने योगा करने की सलाह दी है, परिवार के संग वक्त गुजारने की सलाह दी है, और ये सही भी है दोस्तों। अगर देखा जाए तो हम लोग की ज़िंदगी बहुत भागम दौड़ हो गई थी, हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, कहाँ जा रहे थे किसी को कुछ पता नहीं। उसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आए दिन पेपर में निकल रहा था कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियाँ हो रही हैं और भी तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ भाग रहे हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, भागे भागे जल्दी जल्दी नाश्ता करना, जल्दी जल्दी दुकान पहुंचना या अपने काम पर पहुंचना, तो सब भाग रहे थे। सबकी रफ्तार थोड़ी देर के लिए रुक गई है, और जब ये रफ्तार रुकी है तो आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए, सही फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उसका सदुपयोग करिए, अपना हुनर निखारिए इस मौके पर। अगर आप गाना गा सकते हैं अच्छा, तो छोटा छोटा वीडियो बनाकर सबको शेयर करिए, क्योंकि नेट तो चल ही रहा है। इतना तो प्रधानमंत्री ने मेहरबानी की है कि उन्होंने नेट नहीं बंद किया, जिससे हमारा मनोरंजन हो रहा है, हम भी आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन देख पा रहे हैं। तो इसमें भी प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों के लिए। वो यही चाहते हैं कि हम उनका देश जो है वो सेफ रहे, देश के लोग भी सेफ रहें। तो हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बात को मानते हुए अपने आप को सेफ रखने के लिए घर में ही रहें और जितना हो सके अपने परिवार के संग समय बिताएं। बताया मैंने ना कि ऐसे कई लोग थे जो परिवार के संग बैठ नहीं पा रहे थे, उनके पास वक्त ही नहीं था कि वो अपने परिवार के संग बैठें और थोड़ा सा वक्त उनके संग बिताएं। अब आपको मौका मिला है तो आप परिवार के संग बैठिए, उनके संग अच्छी अच्छी बातें करिए, माँ के पास बैठिए, पत्नी के पास बैठिए, बच्चों के संग गेम खेलिए,
तो ऐसा बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं जिससे इस लॉकडाउन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं तो देख रही हूँ कि बहुत लोग अब अच्छे से घर में रह रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है कि उनको रिलैक्स है, उनको जल्दी उठ के नहाना नहीं है, जल्दी उठ के उनको अपने जॉब पे नहीं जाना है। हमारी कई लेडीज़ भी ऐसी थी जो सुबह सुबह उठकर 6-7 बजे उठ जाती थी, कई कई तो मेरी फ्रेंड भी हैं जो 4-5 बजे भोर में उठ जाती थी और अपने घर का पूरा काम करने के बाद अपना टिफ़िन बनाती थी, बच्चों का बनाती थी, अपने हस्बैंड का बनाती थी और फिर वो जॉब पे चली जाती थी। 5 बजे वो भागे भागे थके हारे आती थी, उसके बाद फिर काम पे लग जाती थी। तो उनको भी रिलैक्स करने का मौका मिला है, वो भी रिलैक्स कर सकती हैं अपने घर में। हालांकि रफ्तार थोड़ी रुक गई है और इसको जब लॉकडाउन हटेगा तो थोड़ा सा हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जरूर जरूर माता रानी सब अच्छा कर देगी। इस समय नवरात्रि का दिन चल रहा है दोस्तों और आपके घर में माता रानी का पूजा चल रहा है, कोई बात नहीं कि हम कन्या नहीं खिला पा रहे हैं, अपने घर में हवन नहीं कर पा रहे हैं, कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बुला नहीं सकते हैं। हमें मना किया गया है कि लोगों को ना बुलाएं, आप कन्या पूजन ना करिए। तो आप इतना ही कर लीजिए कि हलवा पूड़ी बनाकर माता के नाम से गाय माता को खिला दीजिए और अपने बार के संगी हवन पूजा कीर्तन कर लीजिए, देखिए कितना आनंद आएगा। तो इससे भी ये भी माता रानी की ही मर्जी थी कि हम लोग अपने परिवार के संगी रहें इतने दिन तक एक घर में और पूजा पाठ करें और माता रानी को याद करें। वो तो संकट हरनी है, शैतानों का नाश करने वाली है, राक्षसों का अंत करने वाली है, तो उसके लिए छोटा सा कोरोना वायरस कौन सी बड़ी बात है। जल्दी ही माता रानी हमें इन चीज़ों से मुक्ति दिलाएगी और लॉकडाउन हटेगा और हम फिर से हैप्पी हो जाएंगे, जिंदगी हमारी रफ्तार फिर पकड़ लेगी, ये हमें ऐसा फील होता है। बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात मानते हुए घर में ही रहना सेफ समझा ताकि वो और उनका परिवार सुरक्षित हो, स्वस्थ रहें। बस आपको इतना ही करना है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो घर आने के बाद अपने कपड़े को आप धुल दीजिए, जितना हो सके अपने हाथ को साबुन से या हैंड वॉश से वॉश करिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए और प्लीज़ घर में ही रहिए। मैं अपने चैनल की तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा जितना भी परिवार है, वो अच्छे से रहे, खुश रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब मुस्कुराते हंसते रहें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल सके। और बहुत सारा जो वीडियो मैंने बना के रखा है कि आपके आपको डालूंगी आपके फ़ायदे के लिए, वो इसके बाद मैं ज़रूर डालूंगी। वैसे नवरात्रि का दिन चल रहा है तो मैं आपको कुछ माता का भजन और एक वीडियो और डालना चाहती हूँ जिसमें माता का भजन होगा, माता का कीर्तन होगा, कुछ माता का पूजा का ढंग होगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिले। तो मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी। याद रखिएगा 5 अप्रैल को, भूलिएगा नहीं, सबको अपने घर में रात 9:09 के लिए दिया जलाना है, कैंडल जलाना है और अपने इंडिया को जिताने, कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाना है। थैंक यू।